यूएई के उपराष्ट्रपति और दुनिया के टॉप रईसों में गिने जाने वाले शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम की छठी बेगम हया बिंद अल हुसैन 21 मई से लापता है। उनके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि वो अपने बेटे जायद, बेटी जलीला और 271 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अपने पति शेख मोहम्मद से वो तलाक चाहती थी और दोनों के बीच झगड़े की खबरें भी सामने आ रही थी। झगड़े के बाद वो जर्मनी चली गई थी। यहाँ उन्होंने राजनीतिक शरण की मांग भी की थी। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि जर्मन राजनीतिक में से किसी ने उनकी भागने में मदद की है। इस वजह से दोनों देशों के बीच तनाव भी शुरू हो गया है। अभी तक कोई सुराग सामने नहीं आया है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि वो लंदन में पहुंच गई हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।